नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित सभी बातों को पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, अर्थात पूरी तरह समझा दूंगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में आपको क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है यह बताया जाएगा, तथा कानून संन्याल का मामला क्या है, तथा रूल नीति किसे कहते हैं, तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए कौन व्यक्ति आवेदन दे सकता है, तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश कौन जारी कर सकता है, ओके, तथा यह आदेश किसके खिलाफ जारी कर सकता है, तथा इस पर जो प्रमुख बात जैसे हो गया एडीएम जबलपुर का मामला, रुद्र साहब नाम बिहार राज्य का मामला, भीम सिंह नाम जम्मू कश्मीर राज्य का मामला, या फिर हुसनारा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला, तो यह भी देखा जाएगा कि यह रिट कब जारी नहीं किया जा सकता, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी नहीं किया जा सकता। तो साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि रिट और प्रांगण्याय में क्या अंतर है, क्या सभी रिटों पर प्रांगण्याय लागू होती है, या बंदी प्रत्यक्षीकरण पर प्रांगण्याय लागू होता है या फिर नहीं होता है, जिसको सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, आखिर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ओके। तो मैं आपको बता दूँ बंदी प्रत्यक्षीकरण हैव प्लस कर, अर्थात हैव कर दो वर्ड को मिला करके बनाया गया हैबियस कॉर्पस जिसको कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थिति। है मतलब सशरीर होता है, कर मतलब उपस्थिति। उपस्थिति कहाँ, तो न्यायालय में, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए उसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर न्यायालय में उपस्थिति होना, ओके। बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून का एक सहारा है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी अदालत में गैर कानूनी हिरासत या कारावास की रिपोर्ट कर सकता है, फिर उसके खिलाफ जा सकता है, ओके। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सबसे पुराना रिट, सर्वप्रथम इस रिट का प्रयोग किया गया था कहाँ किया गया था, तो ब्रिटेन। भारत में इस रिट का कब प्रयोग किया गया, तो मैं आपको बता दूँ भारत में 1774 ईस्वी में इस रिट का प्रयोग में लाया गया था, ओके। बंदी प्रत्यक्षीकरण सामान्यता किसी व्यक्ति के निरुद्ध किया जाता है, चाहे वो सरकारी व्यक्ति द्वारा किया गया या फिर प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किया गया, जो कि निरुद्ध अवैध होता है उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होता है। यह रिट जारी कहाँ होता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जारी होता है। चलिए मैं सबको आपको सिक्वेंस भाई एक एक करके बतलाता हूँ, ओके। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्या है, कानून संन्याल बनाम एडीएम दार्जिलिंग, ऐसा डीएम दार्जिलिंग के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, कुछ अपवादित दशाओं में बताया गया है। इस रिट का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में भी किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं रहती है, ओके। यही बात बतलाई गई थी कौन से बाद में, तो कानून संन्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग के बाद में बतलाया गया। चलिए अब देख लेते हैं रूल नीति क्या है। रूल नीति का तात्पर्य बंदी प्रत्यक्षीकरण से है। इसके अंतर्गत सरकारी व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि वह बताए कि उस व्यक्ति को क्यों निरुद्ध किया गया। दूसरे शब्द में बोला जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को भी रूल नीति कहा जाता है, इसे ही हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है, ओके। चलिए देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कौन आवेदन कर सकता है, अर्थात हैबियस कॉर्पस के रिट के खिलाफ कौन आवेदन कर सकता है, ओके। मैं आपको बता दूँ, या तो अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति तथा उसके निकट संबंधी या आवेदन कर सकता है, या फिर वह आवेदन कर सकता है जिसको धमकी दी जा रही है कि उसे अवैध रूप से निरोध किया जा सकता है। ये सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, सभी व्यक्ति आपको आवेदन कर सकते हैं, ओके। इसी पर एक तो सुनील बत्रा का मामला है जो 1978 का है, मैं आपको बता दूँ सामान्यतः अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है, परंतु इस वाद में यह भी निश्चय किया गया कि अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति के ओर से कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अब बातें बतलाई गई थी आपको सुनील बत्रा के बाद में जो 1978 वाला केस है, ओके। तो चलिए फिर अब आगे देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कौन जारी कर सकता है, ओके। अर्थात यह रिट कौन जारी कर सकता है, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर सकता है, या फिर हाई कोर्ट कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया, साथ ही साथ आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 32 जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है,
जबकि अनुच्छेद 226 सामान्य अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी आती है। ओके, तथा 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। ओके, मैं आपको बता दूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके खिलाफ जारी कर सकता है। ओके, अर्थात किसके खिलाफ यह जारी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, यह रिट प्राइवेट तथा सरकारी दोनों व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यदि प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध इस रिट का प्रयोग किया जाना है तो सर्वप्रथम अवसर पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन करना आवश्यक है। परंतु यदि सरकारी व्यक्ति के खिलाफ किया गया हो तो उस अवसर पर वह अनुच्छेद 32 के तहत या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर आर्टिकल 226 के तहत वह हाई कोर्ट जा सकता है। सामान्य भाषा में बतलाया जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट जो जिसके खिलाफ जारी होती है, यदि वह प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ यानी प्राइवेट व्यक्ति ने किसी को निरुद्ध किया या फिर सरकारी व्यक्ति, यदि प्राइवेट व्यक्ति ने किसी को निरुद्ध किया है तो सर्वप्रथम अवसर पर जो रिट के लिए आवेदन दिया जाएगा यह आपको अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में दिया जाएगा। यदि सरकारी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है तो उस अवस्था में आपको पास दो राइट होता है, या तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के भी पास जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं। आपके पास दोनों विकल्प मौजूद रहती है। दोनों विकल्प किस स्थिति में मौजूद रहती है? जब सरकारी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी करना है। ओके, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी करना हो तो आपको सामान्यतः एक अवसर रहती है, पहले आपको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। ओके, अब चलिए इस पर जो केस है देख लेते हैं। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का मामला है, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला केस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस बात में क्या हुआ था, इस बात में उच्चतम न्यायालय द्वारा बताया गया था कि जब आपातकाल लागू होता है तो उस स्थिति में मूल अधिकार के परिवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, यह केस हिस्ट्री के सबसे बुरा केस के तौर पर देखा जाता है। इस केस की काफ़ी आलोचना किया गया, इसके पश्चात आपको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबन नहीं रहेगा। अतः वर्तमान में देखा जाए तो आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर किया जा सकता है। अर्थात वर्तमान समय में यह प्रावधान है कि यदि आपातकाल लागू हुआ हो उस स्थिति में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाई जा सकती है। जबकि पूर्व में क्या स्थिति थी, 1978 से पहले उस समय यह स्थिति थी कि यदि आपातकाल लागू हो उस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस देख लेते हैं आपको, रुदल साहब नाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला। इस वाद में मूल अधिकार के उल्लंघन में सर्वप्रथम मुआवजा दिया गया था, मूल अधिकार के उल्लंघन पर भी मुआवजा मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम किस बात में दिया गया था, तो सर्वप्रथम आपको मिला था रुदल साहब नाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में मूल अधिकार के उल्लंघन पर आपको मुआवजा दिया गया था। ओके, हम नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है आपको भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य का मामला। इस वाद में आपको भीम सिंह को विधानसभा जाने से पुलिस द्वारा अवैध रूप से रोका गया था, तो राज्य सरकार द्वारा इसे प्रतिकर दिया गया, हाईकोर्ट द्वारा क्या किया गया, प्रतिकर देने का आदेश दिया गया था कि इस पर इसको प्रतिकर दिया जाए राज्य सरकार द्वारा, तो राज्य सरकार द्वारा भीम सिंह को मुआवजा दिया गया, उसे क्या किया गया था, विधानसभा जाने से पुलिस द्वारा अवैध रूप से रोका गया था। ओके, नेक्स्ट केस क्या है आपको देख लेते हैं, नेक्स्ट केस है आपको हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य का। इसमें क्या था, इसमें त्वरित विचारण को भी मूल अधिकार माना गया था, अर्थात फास्ट ट्रायल, स्पीडी ट्रायल जिसे आप बोल सकते हैं, उसको क्या कहा गया था, उसे मूल अधिकार माना गया। ओके, अब चलिए देख लेते हैं आगे, आगे क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी नहीं किया जा सकता है, अर्थात हैबियस कॉर्पस रिट कब जारी नहीं किया जा सकता है, तो किस किस स्थिति में जारी नहीं किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जब निरुद्ध क्या हो, निरुद्धीकरण अर्थात जिसको गिरफ्तार किया गया हुआ वैध रूप से किया गया। ओके, या फिर क्या हो, निरुद्ध या फिर गिरफ्तारी का जो आदेश दिया गया है वह सक्षम न्यायालय के आदेश पर किया गया। ओके,
सक्षम न्यायालय के आदेश से किया गया जो कि वैध रूप से, ओके। या फिर तीसरा क्या हो सकता है, विधि के अधीन उसे निरोध किया गया क्योंकि वह अपराध क्या है, इसलिए वह लीगल तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ आपको हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं किया जा सकता, अर्थात इसके खिलाफ आप बनते प्रत्यक्षीकरण की याचिका नहीं लगा सकते। या फिर आपको क्या है, याचिका लंबित रहने के दौरान, अर्थात वाद लंबित रहने के दौरान यदि किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया था और उसे छोड़ दिया गया है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में आप उसे उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्ष रिट जारी नहीं कर सकते, ओके। चलिए देख लेते हैं रिट तथा प्रांगण्याय क्या है। तो मैं आपको बता दूं, रिट पर सामान्यतः प्रांगण्याय लागू होता है, परंतु इसका अपवाद है। इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पर प्रांगण्याय लागू नहीं होता है। यह क्यों नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर हर क्षण एक नया अपराध की जन्म होती है, अर्थात किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया जाता है, चाहे वो सरकारी व्यक्ति द्वारा किया गया हो या फिर प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, हर क्षण वह एक नए अपराध का सृजन करता है। इस हेतु उस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण के खिलाफ क्या होता है, प्रांगण्याय लागू नहीं होता है। चलिए मैं आपको इसमें सिर्फ केस को स्पष्ट कर देता हूँ। दरियासी बना उत्तर प्रदेश का राज्य, इस मामले में रिट याचिका पर प्रांगण्याय लागू होता है, यह बातें बतलाई गई थी। इसमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो प्रांगण्याय विधि के शासन का एक आवश्यक अंग माना गया, ऐसा कोई कारण नहीं है जो इसे रिट से अलग किया जा सकता है, परंतु यह विधि का पूर्ण नियम नहीं। इसका अपवाद क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ओके। गुलाम सरोवर बनाम भारत संघ का मामला, इसमें भी बताया गया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पर प्रांगण्याय लागू नहीं होता। साथ ही साथ हुसनारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में बताया गया था कि जो व्यक्ति अवैध रूप से बंदी रहता है उसका प्रत्येक क्षण एक नया अपराध का सृजन करता था, एक नया अपराध का जन्म करता है, अतः इस कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण पर प्रांगण्याय लागू नहीं होता है, ओके। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर कर चुका हूँ प्रांगण्याय क्या है तथा प्रांगण्याय से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ओके। तो चलिए, अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।